अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम लोगों ने अपना फोर्थ टॉपिक स्कैल्प का कंप्लीट करना है, क्लिनिकल द स्कैल्प। फर्स्ट थ्री टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियोस। लेयर्स ऑफ स्कैल्प पे भी हमने बात की, आर्टेरियल सप्लाई भी देख ली थी, नर्व सप्लाई भी। सो आज का टॉपिक हमारा है क्लिनिकल द स्कैल्प। सो आज हमने जो क्लिनिकल द स्कैल्प डिस्कस करने हैं वो हम चार मेन ही करेंगे। वैसे तो हर टॉपिक में बहुत क्लिनिकल आता है, लेकिन हम लोग मेन पे ही फोकस करेंगे जिनसे रिलेटेड ज़्यादा पूछा जाता है। वाउंड ऑफ स्कैल्प, स्पेशियस सिस्ट, ब्लैक आई एंड डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प। सो वाउंड ऑफ स्कैल्प में बेसिकली क्या होता है कि जब भी ट्रांसवर्सली अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये आपका स्कैल्प अगर है, तो अगर वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ट्रांसवर्सली इस तरह करके अगर कोई भी वाउंड आएगा तो वहाँ पे गैप क्रिएट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। एज कम्पेयर के अगर ये यहाँ पे है तो ऐसे नहीं, अगर ये इस तरह के ट्रांसवर्सली आपके पास कोई भी वाउंड हुआ यानी जख्म आया कोई, तो गैप क्लियर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सेबेशियस सिस्ट, क्योंकि हमें पता है कि हमने अभी बात की स्कैल्प में जो स्किन है स्कैल्प की, वहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है, तो उन ग्लैंड्स की अबंडेंस होने की वजह से ये कॉमन साइट है सेबेशियस सिस्ट की, वहाँ पे सिस्ट बन सकते हैं ज़्यादा। फिर ब्लैक आई का जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है, उसको अब हम लोग यहाँ से रीड भी कर लेते हैं एक बार। वो कहते हैं हमारे पास सेबेशियस यहाँ पे ब्लैक आई के बारे में, अगर आपको ये डायग्राम भी नजर आ रही हो तो उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द लेयर ऑफ लूज टिश्यू कॉजेज द जनरलाइज्ड स्वेलिंग ऑफ स्कैल्प। के अगर वहाँ पे ये जो हमारे पास बेसिकली जो एपोन्यूरोटिक लेयर है, यहाँ पास लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर है उसके अंदर, सॉरी लूज कनेक्टिव टिश्यू, एपोन्यूरोटिक गलती से बोला, लूज कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। क्यों होती है? वहाँ पे ब्लड के जमा हो जाने की वजह से, ब्लड वहाँ पे जमा हुआ है, ब्लड में एक्सटेंड एंटीरियरली इनटू द रूट ऑफ द नोज, तो वो ब्लड अगर वहाँ पे जमा हो रहा है तो सारी बात है वो नोज की तरफ भी जाएगा, ठीक है, नोज की तरफ भी जाएगा और साथ साथ वो आईलिड्स पे भी जाएगा, ठीक है, आईलिड्स की तरफ भी जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ पे ब्लैक आई होगी क्योंकि आईलिड्स की स्वेलिंग हो रही है और आंख ब्लैक होना शुरू होगी, ठीक है। द पोस्टीरियर लिमिट ऑफ विच सच हैमरेज इज नॉट सीन, कह रहे हैं कि इतना हैमरेज नहीं देखा गया, लेकिन अगर लोकल इंजरी की वजह से हम लोग देखें, लोकल इंजरी की वजह से ब्लीडिंग हो रही है, तो हाँ हमें हैमरेज भी नजर आता है देखने में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल के कभी भी अगर कहीं पर भी ब्लैक आई से रिलेटेड कोई भी सिनेरियो आएगा तो हमें फौरन पता लग जाएगा कि देयर इज अ कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द लूज एरियोला कनेक्टिव टिश्यू विच इज द लेयर ऑफ द स्कैल्प। तो लास्ट हमारा जो क्लिनिकल है विच इज डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प। डेंजरस एरियाज हमारे पास स्कैल्प के कौन से हैं? द लेयर ऑफ लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इसी को ही हम कहते हैं डेंजरस एरियाज, बिकॉज यहाँ पे इमिशरी वेन्स पाई जाती हैं, ठीक है। और इमिशरी वेन्स जो हैं वो डेंजरस एरियाज क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पे जो हमारे पास जितने भी इन्फेक्शन हैं, जितने भी ट्रॉमाज हैं, होने के ज्यादा चांसेस हैं, और वो क्या करती हैं, वो स्कैल्प में होने वाले इन्फेक्शन को क्रेनियल वेनस साइनस तक भेज देती हैं, साइनस के अंदर डीपली भी चला जाता है वो वहाँ पे। और यही बात करें कि बिकॉज द स्प्रेड ऑफ ब्लड कंप्रेशन ऑफ ब्रेन इज नॉट सीन, सो ये हमें सेफ्टी भी प्रोवाइड करती है ये लेयर। द ब्लड सप्लाई ऑफ स्कैल्प एंड द सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन इज वेरी रिच, यानी हमने भी पिछली वीडियोस में जो नर्व सप्लाई देखी जिसमें आर्ट सेंसरी, हमारे पास मोटर सप्लाईज, फिर हम इसकी आर्टेरियल और वेनस ड्रेनेज, तो ये बहुत रिचली सप्लाइड है विद द ब्लड। तो वहाँ पे कोई भी अगर कट लगता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, तो इसलिए ये थोड़ी सी डेंजरस लेयर भी है और थोड़ी सी यहाँ पे इन्फेक्शन होने की भी ज़्यादा चांसेस हैं। सो ये हम लोगों ने इस वीडियो में क्लिनिकल्स को डिस्कस किया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ब्लैक आई का ही क्लिनिकल था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर किसी ने अभी तक मेरी वीडियोस नहीं देखी स्कैल्प की, तो वो प्रॉपर चारों वीडियोस को कंप्लीट करें, एंड कमेंट्स पे भी बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगी। थैंक यू।